शहर के रांची अंतर्गत गोकलपुर क्षेत्र में खाद्य नियंत्रक वोट की बड़ी कार्रवाई देखी गई, जहां अधिकारियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अवैध गैस रिफिलिंग सेंटर पर छापा मारते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया। साथ ही कार्रवाई के दौरान 40 अवैध गैस सिलेंडर भी जब्त किए गए। गौरतलब है कि ये गैस रिफिलिंग का गोरख धंधा काफी अरसे से चल रहा था, जिसे खाद्य विभाग की टीम ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की। फैक्ट्री के गेस्ट हाउस में लाइजनिंग के कार्य से जा रहा था, उसी दौरान इंजीनियरिंग कॉलेज रांची के पास में कुछ गैस सिलेंडर उतारते हुए पाए गए। एक पिकअप वाहन में लोड थे, तो उस संबंध में कार्रवाई की गई और पूरी जांच में पाया गया कि 42 गैस सिलेंडर जिसका कि रिफिलिंग के लिए उपयोग किया जाता था, उसकी जब्ती की गई है। सर, उचित कार्रवाई की जाएगी? हाँ, इस पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी और इसका प्रकरण बना के कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। तो सर, इसमें किसी प्रकार का कोई जेल का प्रावधान है या फिर चालानी कार्रवाई करके छोड़ दी जाती है? नहीं, इसमें आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत गंभीर अनियमितता पाए जाने पर FIR की कार्रवाई भी की जाती है और इसमें जो दंडात्मक कार्रवाई भी होती है और पेनल्टी भी लगाई जाती है। सर, ये सिलेंडर कहाँ से और कैसे यहाँ तक पहुँचे, इस विषय में कोई जानकारी दे पाएंगे? अभी तक जो जाँच में पाया गया है कि जो रिफिलिंग सेंटर वाला है, उस संचालक ने कहा है कि उदयन गैस से ये सिलेंडर हमें प्राप्त हुए, जबकि उदयन गैस संचालक का कहना कि हमारे द्वारा सिलेंडर प्रदाय नहीं किए गए हैं, जिसकी आगे जांच की जाएगी। तो HP गैस कंपनी में इसकी जांच होगी अभी आपकी? नहीं, अभी उसके कथन के आधार पर कि उनको कहां से गैस सिलेंडर प्राप्त हुए, उसकी विवेचना आगे की जाएगी। नहीं, अब जैसे हमारे नॉलेज में आया तो हमने तत्काल कार्रवाई की। अभी पिछले सप्ताह हमने 12 सिलेंडर और 16 सिलेंडर और 4 ऑटो रद्दी चौकी से भी जब्त किए हैं और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। चुनाव के देखते हुए तो कार्रवाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा तो जी अभी दो लोगों को आरोपी बनाया गया है, एक शुभम सोनकर है और एक कमल रैकवार है। आपका नाम? मैं चंद्रभान सिंह यादव, जिला आपूर्ति नियंत्रक, जबलपुर। थैंक यू।